हेलो दोस्तों, कैसे आप? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको ये बताएंगे। सो दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, सो फ्रेंड आप बहुत ही मेहनत से दोस्तों आप एक वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, वो काफी मेहनत लगता है यार। सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक पे हो या ना, वीडियो क्रिएट करने में बहुत मेहनत लगता है। अब अगर आपने एक वीडियो बनाया, उस वीडियो को फ्रेंड यार किसी ने डाउनलोड कर लिया, यानी आप वीडियो को क्रिएट करने के बाद आप यूट्यूब में उसको डाल दिया, अपलोड किए कि यार इससे मुझे कुछ व्यूज आएगा, अर्निंग आएगा, मुझे फ्लेम मिलेगा, यार कोई एक बंदा ने आपके वीडियोस को डाउनलोड करके वो अपने चैनल पे डाल दिया और उससे वो सर यार फ्लेम हासिल कर रहा है, पैसा हासिल कर रहा है, उसका चैनल अगर मोनेटाइज होता है, बंदे उसको पैसे भी उसको मिलते रहेंगे हर एक व्यूज के अंदर से। अब दोस्तों क्या होता है, इससे आपका क्या नुकसान हुआ यार? आपने किसी ने पेड़ को लगाया यार, फल कोई और खा रहा है, बात तो कुछ ऐसा हो गया। अब इसके जगह में दोस्तों YouTube के अंदर क्रिएटर स्टूडियो में फ्रेंड्स एक नया ऑप्शन आया है, जिसकी मदद से अगर आपके वीडियोस को कोई भी, यानी आपके अपलोड करने के बाद उस वीडियो का कंटेंट आईडी पूरा मैच हो जाता है, पूरा उसको फनल किया जाता है, उस सभी वीडियोस को अगर उस वीडियो को फ्रेंड कोई भी यूज़ करता है, 20%, 50%, 30% या फिर 10% भी आपके वीडियोस का कोई यूज़ करता है फ्रेंड, आपको बिल्कुल ही दोस्तों पता चल जाएगा इस बंदे ने इस डेट पे, इस टाइम पे मेरे वीडियोस को अपलोड किया, उसका चैनल नंबर ये है। अगर आप चाहते हैं उसे डायरेक्टली मेल कर सकती या फिर आप स्ट्राइक दे भी सकते, तो फ्रेंड आज मैं आपको ऐसे दो तरीके बताऊँगा, ओल्ड वाला वर्जन भी बताऊंगा और न्यू वाला वर्जन भी बताऊंगा, जिसमें दोस्तों ओनली फॉर 1 मिनट के अंदर आप किसी भी वीडियोस को, अगर आपकी वीडियो अगर कोई यूज करता है यार, ओनली फॉर 1 मिनट के अंदर आप उसको स्ट्राइक डाल सकते हैं, ओनली फॉर 1 मिनट के अंदर फ्रेंड्स आप उसको डायरेक्टली एक मैसेज दे सकते हैं, यार आपने मेरे वीडियोज को यूज किया है, मैं आपको 7 दिन का टाइम देता हूँ, अगर आपने वीडियोज को अब डिलीट नहीं किया तो यार आपको स्ट्राइक पड़ जाएगा। आप काफी किस्म के चेंजेस करके आप मेल डाल सकते हैं उनको यार, 1 बाय 1 आप बात भी कर सकते हैं। आज मैं दोस्तों वही आपको बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो में लाइक जरूर करें। अगर आपके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हे गाइस, आप आ चुके हैं हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहां पर फ्रेंड्स हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे आप आसान से आसान तरीके से किसी भी वीडियोस को टेक डाउन कर सकते हैं। अगर आपका वीडियोस को ये अगर चोरी करके, यानी उसको कॉपी करके अपने चैनल में लगाकर एज ए खुद ग्रो हो रहा है, तो कैसे आप उसको रोक सकते हैं? इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब में फ्रेंड्स इससे पहले यूट्यूब क्रिएटर्स, यानी ये जो आप पेज देख रहे हैं, दिस इज़ आर नेम, दिस इज़ माई क्लाइंट। अब ये मेरा कैसे क्लाइंट है मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिस इज योर नेम इज सिंटू प्रसाद, और ये बंदा ये एक सिंगर है जो हमारे ही वेस्ट बंगाल बर्धमान में इसका रहने वाले हैं ये बंदा। अब बंदे के काफ़ी सारे फ्रेंड्स वीडियोस यहाँ पर डाले हैं, हालांकि उतने भी ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियोस नहीं है, लेकिन जितने भी वीडियोस हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं, लगभग यहाँ पर टोटल 15 टोटल इनके बंदे के यहाँ पर वीडियोज़ है। अब इनमें से भी फ्रेंड्स कुछ वीडियोज़ है जो यहाँ पर बहुत व्यूज़ कंप्लीट हो चुके, उन सारे वीडियोस को यहाँ पर कॉपी कट किया गया है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, बंगाली सिंगर्स यहाँ पर एक गाना है, एक दिन बड़ा मेघला, कुछ इस तरह से गाने का नाम है, आप अगर देखना चाहते हैं चेकआउट कर सकते हैं, गाना बहुत ही अच्छा है, फिलहाल ये पॉपुलर चल रहा है, अभी 2 हफ्ते में 1,04,000 इसका व्यू हो चुका है। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स गाना कितना पॉपुलर चल रहा है, अगर अच्छा लगे तो वीडियोज़ का प्ले ज़रूर कर सकते हैं। सो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इस बंदे का क्या हुआ कि वीडियोज़ को चोरी किया, ये जो पॉपुलर वीडियो है इसको काफ़ी लोगों ने चोरी करके अपने चैनल में लगा लिया है, यानी डाउनलोड करके उसको कॉपी करके अपने वीडियोस पे चला रहे विदाउट एनी क्रेडिट। अब बंदे को ये, इस बंदे ने मेरे साथ बात किया कि आप इसको यार मुझे सॉल्व करके दो। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे बोलो आप, अगर आपके भी वीडियोस को अगर कोई चोरी करते कैसे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप यूट्यूब पेज को खोल लेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना है अपने आइकॉन पे क्लिक करना है, आपके पिक्चर्स जो भी आपके लोगोस है यानी चैनल के, उसके बाद यहाँ पर जाना है फ्रेंड्स आपको एज ए योर चैनल में आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा कस्टम चैनल। कस्टम चैनल्स में जैसे ही फ्रेंड्स आप यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर फ्रेंड्स आपको ऊपर में एक और एक ऑप्शन दिखेगा यहां पर वीडियो मैनेजर का। ये जो वीडियो मैनेजर का फ्रेंड्स आप ऑप्शन देख पा रहे,
यहाँ पर जैसे ही फ्रेंड्स आप जाएंगे यूट्यूब का ये जो क्रिएटर स्टूडियो जो नया वर्जन आया है इसमें फ्रेंड्स कॉपीराइट क्लेम देने के लिए बहुत ही सहज सरल और बहुत ही सीधा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। सिंपल से सिंपल फ्रेंड्स आपको दो तीन सिर्फ क्लिक करना है और कुछ आपको सिर्फ टाइप करना है, बस आपका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख लो यार कि यहाँ पर जैसे आप इस लेफ्ट साइड के साइड में आकर आप यहाँ पर स्क्रॉल करोगे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको कॉपीराइट का। जैसे आप कॉपीराइट में फ्रेंड्स क्लिक करोगे यहां पर देखो यार इस बंदे का जितना भी वीडियोस है इन सभी वीडियोस को इस बंदे ने YouTube में अपलोड करने के बाद इस बंदे का जो जो लोग वीडियोस को यानी ये जो आप देखे टोटल 5 यहाँ पर चैनल से जिन लोगों ने इस बंदे का यानी सिंटू का वीडियोस को यहाँ से वीडियो ये जो 5 आप वीडियोस देख रहे हैं इन सभी वीडियोस को उन लोगों ने डाउनलोड करके अपने चैनल पे चलाया है। अब YouTube का जो एल्गोरिदम सिस्टम है फ्रेंड्स वो आपको ज़रूर पता होगा, बहुत ही स्ट्रिक्ट एल्गोरिदम सिस्टम है। यहाँ पर कुछ भी अगर चोरी होता है फ्रेंड्स तुरंत यहाँ पर पकड़ा जाता है। तो कुछ इसी तरह से YT स्टूडियो यानी अगर आप YouTube के क्रिएटर स्टूडियोस में फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे नया ये अपडेट है क्रिएटर स्टूडियो में, काफ़ी कम लोगों को ये पता है कि आपके वीडियोस को दी क्रिएटर स्टूडियो का एक पॉपुलरिटी यहां पर यही चीज यहां पर आता है। काफी लोग क्रिएटर स्टूडियो को चलाना नहीं चाहते लेकिन अभी फिलहाल ये मैंडेटरी हो चुका है, आप पुराने क्लासिक्स आपको नहीं मिलेगा, आपको क्रिएटर स्टूडियो चलाना पड़ेगा। तो क्रिएटर स्टूडियो में ये एक नया ऑप्शन है फ्रेंड्स, यहां पर आपके जितने भी वीडियोस आप डालेंगे सभी वीडियोस को एक लीगल प्रोसेस में यहां पर रखा जाएगा। और अगर कोई भी इसको डाउनलोड करके अपलोड करता है फ्रेंड्स, अगर कुछ भी अगर अपलोड करता है पूरा वीडियो अपलोड करे दो मिनट तक का अपलोड करे 1.5 मिनट 15 मिनट जो भी मिनट कर यार अपलोड करे ये आपको तुरंत आपको बता देगा कि आपके वीडियोस को किसी ने कॉपी किया है और वो बंदा इस डेट पे यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल इस बंदे का फिलहाल कितना व्यूज़ हुआ है चैनल में यानी ये जो वीडियो डाउनलोड किया है कॉपी किया है उसका कितना व्यूज़ हुआ है, किस डेट पे वो अपने पब्लिश किया है, चैनल का नाम कौन सा है और वीडियोज़ में रिटेक्शन कैसे मिला यानी 100% देयर वीडियोज़ यानी यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे आपके वीडियोज़ के कितना परसेंटेज वो बंदा आपके वीडियो से कट आउट यानी चोरी किया है। अगर समझ लो आपके 4 मिनट का वीडियो है, 4 मिनट का अगर वो 4 मिनट ने आपका झांप लिया यानी उसको कट आउट करके डाल दिया तो मतलब यहां पर फ्रेंड्स आपको 100% की आपको मैच यहां पर दिखा, देख रहे हैं यहां पर मैच परसेंटेज कितना है 100%। तो यार पूरा बंदे लोगों ने क्या किया, पूरा का पूरा वीडियो डाउनलोड करके पूरा का पूरा ही यूट्यूब में डाल दिया। अब यहां पर फनेल पे वही चीज यहां पर पकड़ा गया, अब वो बंदा समझ लो यार 50% किया है तो यहीं पर फ्रेंड्स आपको लिखेगा मैच परसेंट या 50% यहां दिखेगा तो आप समझ जाएंगे या बंदे ने आधा यहाँ पर आपके चोरी किया है गाने को। तो कुछ इसी तरह बंदे ने जब यहाँ पर वीडियो डाला था यूट्यूब में उसके बाद मैच करने के बाद जब उसके एल्गोरिदम सिस्टम वहाँ पर स्टिक हो चुका है यानी बंदे का ऑलरेडी वीडियोस को वहाँ पर देख लिया गया है, एनालाइज की यूट्यूब के जो एनालिटिक्स है उन लोगों ने ऑलरेडी इसे एनालाइज कर लिया है, उसके बाद अगर कोई इसको कॉपी करके डालता है तो वही सेम चीज़ ही तो वहाँ पर जाएंगे ना दोस्त। तो इसी के वजह से यहाँ पर इसको पकड़ा गया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अगर कॉपीराइट क्लेम देना है किसी भी वीडियोस में जाओ फ्रेंड्स, किसी भी वीडियोस में जाओ, ये जो आप इमेजेस देख रहे हो यहाँ पर आपको बीच में एक ऑप्शन मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर वीडियो रिमूव, इसमें यार आप क्लिक करो। जैसे ही फ्रेंड्स आप इसमें क्लिक करते हो यहाँ पर एक फॉर्म खुलेगा रिक्वेस्ट वीडियो रिमूव का फॉर्म, देख रहे हो आप ये फॉर्म आपके पास खुलेगा। आपको क्या करना है यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली माई सेल्फ आपको लिखा रहेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है जिसको सिर्फ आपको फिल करना है। यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप टू द कॉपीराइट कॉन्टेंट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड यानी आपको यहाँ पर इसको भरना है। जैसे हम क्वेश्चन मार्क में हम अपना कर्सर को रखते थे यहाँ पर बताता है योर जॉब टाइटल और रोल्स यहाँ पर क्या है आपका, यानी आप यहाँ पर इस वीडियो को जो आप टेक डाउन कर रहे हैं तो इस वीडियो के साथ आपका क्या रिलेशन है, रिलेशन क्या है। अब ये बंदे का खुद का वीडियो यानी दिस इज हर ओनर और इस बंदे का खुद का वीडियो मेकर है यानी ये खुद ओनर है और खुद ही अपना वीडियो मेकर है। तो यही चीज़ फ्रेंड्स आपको लाजमी से बहुत ही अच्छी तरह बारीकी से सुंदर वर्ड्स में सिर्फ आपको छोटे छोटे वर्ड्स में आपको सिर्फ यहाँ पर इसको लिख देना है, उसका फ्रेंड्स आपका चैनल का नाम यहाँ पर बिल्कुल रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कंट्री स्टेट आपका जो भी हो फ्रेंड्स, आपका कंट्री अगर इंडिया है आप इंडिया डालें, इंडिया के बाहर से अगर आप कोई वीडियोज़ मेरे देख रहे तो आप अपने कंट्री का नाम एज ए यहाँ पर मल्टीपल चॉइस में आप सेट कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप जो भी कंट्री है आप सेट कर ले। यहाँ पर स्ट्रीट में आप यहाँ पर डाल दिए अपना जो भी आपका एड्रेस है, आपका सिटी कौन सा है, आपका
ऑलरेडी यहाँ पर स्टेट कौन सा है, नीचे में आप स्टेट को जरूर यहाँ पर मेंशन करें, क्योंकि ऊपर में आपका कंट्री रहेगा, नीचे का आपका जो है वो आपको स्टेट को आपको ये करना है, मेंशन करना है। उसके बाद आपको पिन कोड जो है यानी जिप कोड जिसको बोलते हैं जो है आप डाल दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आपने जिस मेल आईडी से मेल को ओपन किया होगा उसका मेल आईडी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर एक फ़ोन नंबर मिलेगा बंदे का, यहाँ पर फोन नंबर अगर चाहते हो आप यहाँ पर डाल दे, जी सर रिक्वायर्ड या कन्फर्म आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, जी सर बंदे का ये सिंटू का फोन नंबर है। अब यहाँ पर ऐसा सेकेंडरी मेल आप दे सकते हो, यानी एक यहाँ पर ऑलरेडी एक प्राइमरी मेल ऑलरेडी लगा हुआ है, लेकिन अगर आप दूसरा कोई मेल है आपके पास तो वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका गाना को आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, दो ऑप्शन यहाँ पर आप ये फर्स्ट वाला को अगर चॉइस करते तो इसमें क्या होता है कि बंदे के यहाँ पर आपको जैसे आप इसको चॉइस करते मतलब आपको 7 दिन का आप उन्हें टाइम दे रहा है, अगर वो 7 दिन के अंदर वीडियो को अगर डिलीट नहीं करता है, जैसे आप स्ट्राइक डालते हैं 7 डेज के अंदर वो डिलीट नहीं करता है तो फ्रेंड उसके चैनल में एक स्ट्राइक पड़ जाएगा, वीडियो को ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एज ए स्टैंडर्ड डिलीट रिक्वायर्ड फॉर रिमूव इसको अगर आप करते हैं सेकंड वाला ऑप्शन को अगर चॉइस करते हैं फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है कि आप यूट्यूब का बता रहे हैं कि ये हमारे वीडियोस को ऑलरेडी झांप लिया है, मतलब यार कॉपी कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही बात है। तो कॉपी करने के बाद आप यूट्यूब को बता रहे हो यार आप जल्दी से इस चैनल के वीडियोज़ को आप डिलीट कर दो, अगर यूट्यूब देख लिया कि बंदा जो आप बता रहे बिल्कुल सच है तो कन्फर्म वो डिलीट हो जाएगा। तो फ्रेंड आपको सेकंड कभी भी आप फर्स्ट वाला ऑप्शन को चॉइस मत करें, सेकंड वाला ऑप्शन को आप चॉइस करें, और यहाँ पर जितने भी टिक मार्क आप देख रहे हैं सभी को टिक मार्क करके यहाँ पर एज ए सिग्नेचर रिक्वायर्ड यानी आपका नाम यहाँ पर आप लिख दे, आप फर्स्ट जो लेटर होगा उसको आप कैप्स में लिखे, उसके बाद सब कुछ शॉर्ट्स में यानी छोटे अक्षर में, उसके बाद आपका जो सरनेम है फर्स्ट जो वर्ड है उसको आप कैप्स में करें, बाकी सब इसको छोटे यानी स्मॉल लेटर में आप करके आप यहाँ पर एक आप देख सकते हैं एक सबमिट का बटन है, इसको आप सबमिट कर दे। अब देखो बेसिकली फ्रेंड्स के ये जो ऑप्शन ये जो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इतना सारा डेटा मेरे पास फील कैसे आया अब मैं आपको ये बताऊंगा, दिस इज आवर प्रोसेस, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोसेस जिसके मदद से आप बहुत ही आसानी से वीडियोस को टेक डाउन यानी वीडियोस को रिमूव कर सकते हैं कोई अगर चोरी करता है। और एक फ्रेंड्स प्रोसेस है मैं आपको वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिस प्रोसेस इज बहुत ही अच्छा, ये भी प्रोसेस अच्छा है यार फ्रेंड्स, इसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये प्रोसेस मैं आपको किन्हीं पहले बताया कि उसमें थोड़ा बहुत झोल केस है, यहाँ पर उतना झोल केस नहीं है, लेकिन आप अगर कोई भी मैं आपको दोनों ही प्रोसेस मैं आपको बताना चाहिए, दिस आर ओल्डर प्रोसेस, वो प्रोसेस पहले चलता था, अब ये नया वाला प्रोसेस आ चुका है, तो मैं आपको जैसे मैंने नया वाला बताया अब अगर आप चाहते हो यार ओल्ड प्रोसेस को देखना तो मैं भी उसका भी मेरे फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता, अगर आप जानते हैं ओल्ड प्रोसेस। सो फ्रेंड वीडियो बस आपके लिए बस इतना ही था, जो लोग नए हैं अगर ओल्ड प्रोसेस भी आप देखना चाहते उसमें यार थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन वो भी प्रोसेस बहुत अच्छा था, मैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो यार वीडियोज को जैसे मैं आप यहाँ पर देख सकते हैं बंदे का ये वीडियो है यूट्यूब चैनल है, अब देख लो यार ये जो बंदा है ये जो बंदा यहाँ पर ब्रो सुनील हेमरम ये बंदे का नाम है, ये बंदे ने इस वीडियो को झांप लिया, अब इस बंदे का मैं यूट्यूब चैनल में चला जाऊंगा। अब देख लो यार अब ओल्ड प्रोसेस में कैसे होता था, अब देखो ये जो वीडियो है ये सिंटू का वीडियो है जो इस बंदे ने इसको झांप लिया यानी कॉपी कर लिया है। अब ये जो वीडियो जैसे ही आप ओपन करते हैं बशर्ते जैसे आप वीडियोस को ओपन करते हैं एक चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रखें फ्रेंड्स, जो भी आपका यूट्यूब चैनल है यानी जिस मेल आई डी से आपका यूट्यूब चैनल ओपन है उसको आप अपने चैनल में ज़रूर ओपन करके रखें, लॉग इन करके रखें, जैसे कि मैं यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लॉग इन करके रखा है। अब वीडियोज़ को आप प्ले करें, अगर ये आपका चोरी का ये आपका कॉपी वीडियो है तो इसको आप प्ले करें, यहाँ पर एक 3 डॉट में जाए यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट का जो ऑप्शन मिलता है यहां पर आप रिपोर्ट में क्लिक करें, रिपोर्ट में जैसे क्लिक करते हैं दोस्त यहां पर बहुत सारे आपको रिपोर्ट टाइप मिलते हैं, आप यहां पर इन फ्रेंड्स माय राइट्स यहां पर जो आप लिखा हुआ है आप इसमें क्लिक करें और इसमें चूज वन में क्लिक करके आप यहां पर कर दे माई कॉपी राइट इन फ्रेंड्स माई कॉपी राइट इस ये जो ऑप्शन है आपको यहां पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको करना है नेक्स्ट। जैसे ही फ्रेंड आप इसको नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट के बाद आप जैसे ही थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आपको नीचे आएगा सबमिट ए कॉपी राइट क्लेम कंप्लेंट्स, तो कंप्लेंट्स में फ्रेंड्स जैसे आप क्लिक करेंगे यहां पर एक ऑप्शन आएगा आई एम नॉट ए रोबोट, तो आप इसमें सिर्फ क्लिक करें और यहां पर एक आपको ऑप्शन दिखाई देगा यहां पर लिखा है जैसे बस, आपको बस को सिलेक्ट करना है, जितने भी यहां पर बसेस आपको नजर आते हैं आपको उन सभी बसेस को सिलेक्ट करें और यहां पर एज ए वेरीफाई में क्लिक कर दे। जैसे ये वेरीफाई कंप्लीट होता है आपको एक दूसरा प्रोसेस या दूसरा पेज मिलेगा, यहां पर आपको बहुत सारे पेजेस आपको मिलते हैं आप इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बारीकी से बताने के लिए यहां पर एज ए कॉपी राइट इनफ्रेगमेंट ये जो लिखा हुआ है आप देख रहे हैं इसमें आपको क्लिक करना है और यहां पर क्लिक आई एम जो यहां पर लिखा है इसमें सिर्फ आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, ये फॉर्म कैसा है आप देख लो यार, यहां पर ये जो फर्स्ट यूआरएल आप देख रहे हो फ्रेंड्स फर्स्ट यूआरएल, इसमें क्या होता है कि जिस बंदे ने वीडियोस को चोरी किया है आपके वीडियोस को अगर किसी बंदे ने चोरी किया है
उस वीडियो का URL आपको यहाँ पर डालना है। अब वे URL आपको कहाँ मिलेगा, सो फ्रेंड मैं URL दिखाता हूँ, ये चोरी हुआ वीडियो से, यहाँ पर ये URL है इस बंदे का, मैंने इसको कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से, जैसे मैं कॉपी किया यहाँ पर मैं इसको डाल दूंगा, दिस आर URL, कॉपी URL। अब ये वाला बंदा आप देख लिए वीडियो का टाइटल सब कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ चुका है, यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट, यानी ये डिस्क्रिप्शन किस में आता है, यहाँ पर देखो फर्स्ट में एक ऑप्शन आपको मिलेगा माई यूट्यूब वीडियो वॉज री अपलोडेड बाई अनदर यूजर, लिखा हुआ ना, आपको सिर्फ इसको कॉपी, इसको सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है। नीचे वाले जितने भी ऑप्शन है फ्रेंड्स आप उसको सिलेक्ट मत करें, सिर्फ आप इसी को करिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है दिस आर देयर वीडियो URL फॉर माई ओरिजिनल वीडियोस, यानी आपका जो ओरिजिनल वीडियो आपने जो अपलोड किया था फ्रेंड्स, अभी आपका वीडियो यहाँ पर मांगा जा रहा है। अब इसके लिए फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपके यूट्यूब में आपको आना पड़ेगा। इससे पहले मैं एक चीज़ देख लूँ, जस्ट अ सेकेंड, मुझसे गलती ना हो जाए, मे बी कॉपीराइट, हाँ चलो ठीक है मैंने देख लिया, गायली बंदे का बहुत सारे वीडियोस को यहाँ पर कॉपी किया गया है, तो मैं एज यूजुअल देखना चाहता हूँ ये कौन से वीडियोस के बंदे ने कॉपी किया था, जो मैंने उसको देख लिया, नया वाला वीडियो जो 100K कंप्लीट हुआ है कुछ ही दिन के अंदर, उसको बंदे ने यहाँ पर कॉपी किया फ्रेंड्स। तो ये जो नया वाला वीडियो यहाँ पर दिख रहा है फ्रेंड्स, ये नया वीडियो बंदे का, अब यहाँ पर ये जो लिंक दिख रहा है वीडियो का, इसमें आप कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद आप यहाँ आ जाओ इस फॉर्म्स में, आप यहाँ पर डाल दो इसको, जैसे आप यहाँ पर डालोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखो या बाहर जैसे व्हाइट में आप क्लिक करोगे यार इसका कर्सर को, तो यार देख लो यार वीडियो टाइटल क्या है, क्या ओनर क्या है, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर देखो यार एंटायर वीडियो आता है टाइम स्टॉप वीडियो, यानी बंदे ने समझ लो यार 4 मिनट का वीडियो है 2 मिनट का झापा है, तो कौन से मिनट तक का झापा है आप इसमें ये डाल दो। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है कि हो सकता है बंदे ने बीच में थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी लगाया है, 4 मिनट का वीडियो है, 1 मिनट पहले का झांप लिया है, 2 मिनट अपने आप से वीडियो फॉर्म यानी इमेज से बना दिया, उसके बाद लास्ट का 1 मिनट झांप लिया, मतलब यार 2 बार उसने वीडियो झांपा है, तो अब 2 टाइम्स आपको मिल सकता है यहाँ पर दे दो। अगर बंदे ने आपका कस्टम URL यानी आपका जो थंबनेल है उसको झांपा है, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक कर सकते हैं, उसने बंदे वीडियो अलग चल रहा है भीतर यानी थंबनेल को झांप लिया, तो कस्टम थंबनेल आप इसमें क्लिक कर दो यार, तो आप क्या करो एंटायर वीडियो, इस टाइम में क्या हुआ कि इस बंदे ने एंटायर वीडियो को ही साले ने कॉपी कर लिया, तो मैं एंटायर वीडियो में कर देता हूँ। उसके बाद इसको आपको चॉइस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एट अ टाइम आप एक ही चीज़ को आप चॉइस यानी सिलेक्ट कर सकते हो, आप हमेशा एंटायर वीडियो को सिलेक्ट करें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आता है कि आप अगर और भी वीडियोज़ को एक साथ अगर आप करना चाहते हो एज ए न्यू अनदर वीडियो, तो सिंपली आप इसमें प्लस आइकन में आप क्लिक कर सके, और भी वीडियो अगर किसी ने झांपा है तो उसको भी यहाँ पर यानी सेम वीडियोज़ के ऊपर और भी क्रिएटर ने वीडियोज़ को चोरी किया, तो आप एक ही फॉर्म में सब कुछ आप डाल सकते हो, अलग अलग आपको डालने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जैसे स्क्रॉल में आएंगे नीचे में, आप यहाँ पर देख लो यार ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर क्या करना कि आपका जो चैनल का नाम है उसको आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे बंदे का चैनल का नाम क्या है, बंदे का चैनल का नाम है सिंटू C2, ये है बंदे का चैनल का नेम जो मैंने यहाँ पर लिख दिया, यही सेम चीज़ आपको कॉपी करके नेक्स्ट में आपको डाल देना है। और यहाँ पर देखो यार सेकेंडरी ईमेल मांगा जा रहा है, सेकेंडरी ईमेल मैंने आपको पहले बताया था, प्राइमरी ऑलरेडी ईमेल यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर आपका अगर कोई दूसरा कोई मेल आई डी है तो आप वो भी डाल सकते हो, तो आप यहाँ पर डाल दो यार, जैसे कि मैं सिंपल मैं एक नॉर्मली ईमेल आई डी में डाल रहा हूँ यहाँ पर, तो मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। सो फिर अब यहाँ पर देखो यार यहाँ पर दिखा रहा है योर फुल लीगल नेम, यानी आपका जो सही नाम है वो आप यहाँ पर डालें, तो बंदे का जो सही नाम है वो है सिंटू प्रसाद, तो मैंने इसको डाल दिया। अब यहाँ पर देख लो यार बंदे का एड्रेस यहाँ पर पूछा जा रहा है, बंदे का एड्रेस कहाँ सा है, बंदे का एड्रेस है यहाँ पर GT रोड, ऑलरेडी मुझे पता है यार GT रोड, और यहाँ पर हम डालेंगे GT रोड शक्तिगढ़। अरे ये जो बंदे का यहाँ पर नीचे में आप देख रहे हो यार, ये उनका अगर नीचे के साइड में अगर आप कोई लैंडमार्क है तो आप वो भी डाल सकते हो, नियर कोल्ड स्टोरेज। तो यहाँ पर आप जो आपका जो एड्रेस है वो उतना भी ज़्यादा एकदम बिल्कुल सही देना है उतना मतलब नहीं है, लेकिन जितना हो सके फ्रेंड्स आप इसको सही सही अपना एड्रेस डालें। और यहाँ पर जो आपका सिटी है सिटी को डाल दे, इस बंदे का सिटी का नाम है पूर्व वर्धमान, और बंदे का जो कंट्री यानी जो बंदे का जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल, और बंदे का जो जिप कोड है वो मुझे पता है, जस्ट अ सेकेंड मैं इसका जिप कोड निकाल लेता हूँ मैं
सो फ्रेंड बंदे का यहाँ पर जिप कोड है 713149, ये है बंदे का जिप कोड। ओके तो ये है बंदे का जिप कोड और यहाँ पर मेरा छोटा सा एक गलती हुआ जिसको मैं ठीक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक गर्ब आना स्पेलिंग में मुझे बहुत गलती हुआ था जो जिसको मैंने ऑलरेडी ठीक कर लिया है। सो अब फ्रेंड्स देखो यार यहाँ पर एक फ़ोन नंबर मांग रहा है, फ़ोन नंबर आप दे सकते हो अपना वाला, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कोई भी आप फ़ोन नंबर दे दो यार, बहुत सारे फ़ोन नंबर्स यहाँ पर आते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पर एक फ़ोन नंबर दे रहा हूँ मैं, अपना वाला फ़ोन नंबर डाल दिया। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जितने भी सारे ऑप्शन दिख रहा है आपको सभी को फ्रेंड्स आपको टिक मार्क करना है, टिक मार्क कर दिया। और यहाँ पर देखो यार ये टाइप योर फुल नेम इन दिस बॉक्स आर्ट्स आर डिजिटल सिग्नेचर्स, यानी आपका जो नाम लिखेंगे आपका फुल नाम जो आपके गवर्नमेंट्स आईडी में आता है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। तो बंदे का नाम है सिंटू प्रसाद, तो मैंने बंदे का नाम लिख दिया। अब यहाँ पर आई एम नॉट ए रोबोट, आपको सिर्फ इसमें क्लिक करो। जो भी आपका बाइसाइकल्स यहाँ पर दिखाया जाता है तो बाइसाइकल्स को मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। ऑलरेडी हमें ये भी एक बाइसाइकिल आया है, तो चलो यार मैंने सब कुछ क्लिक कर लिया, एज ए वेरीफाई कर लो। ये वेरीफाई हो गया। अब देख लो यार फॉर्म को मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट में आप कॉपीराइट इन्फ्लुएंस जो आपको दिख रहा है सेव टू कॉपी माय क्रिएशन ये जो लिख रहा है इसको करें। उसके बाद आई एम में क्लिक करें। जो वीडियो जिसने चोरी किया है यानी कोई वीडियो अगर किसी ने चोरी किया है तो उसका वीडियोस का यूआरएल यानी जिसने चोरी कर लिया है वो जो उसका जो वीडियो यूट्यूब में चल रहा है उसका जो चलने का जो यूआरएल है उसको आप पहले में डालें। सेकंड में यहाँ पर माय वीडियो जो ऑप्शन है यहाँ पर देख ले यार, फर्स्ट में जो ऑप्शन आता है रिक्वायर्ड इसको डालें। यहाँ पर देखो यार सब कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके वीडियो यानी आपका जो ओरिजिनल वीडियो है उसको यहाँ पर यूआरएल डालें, एंटायर वीडियो करें। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आपके पास और भी यानी इसी वीडियो के और भी दो तीन लोगों ने झांप लिया यानी चोरी कर लिया तो उसके लिए यार फ्रेंड्स ये ऐड अनदर वीडियो ये भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर एक ही साथ में वो चला जाएगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना सब कुछ डिटेल यहाँ पर डालना है, आपका दो टाइम्स यहाँ पर आपको नाम डालना है अपना। अगर सेकेंडरी कोई ईमेल है तो आप डाल दें, नहीं डालने से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि यहाँ पर रेड मार्किंग कुछ नहीं है। जिस जिस जगह में रेड मार्किंग दिख रहा है फ्रेंड्स उसको आपको कन्फर्म आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये सभी की जगह में आप टिक मार्क कर दें। उसके बाद यहाँ पर वेरीफाई करें फिर से क्योंकि मैंने बहुत सारा टाइम ले लिया था तो इसकी वजह से मैंने फिर से यहाँ पर वेरीफाई के यहाँ पर दिखाया गया तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इसको वेरीफाई कर दिया है। और भी एक मुझे सिलेक्ट करना है तो दिस इज सर, तो यार मैंने दोबारा इसको वेरीफाई कर लिया, आई एम नॉट अ रोबोट। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सबमिट कंप्लीट या कंप्लेंट्स यहाँ पर दिख रहा है आपको सिर्फ इसमें क्लिक करना है। और सॉरी यार मैंने जिप कोड यहाँ पर डाला था लेकिन जिप कोड यार कहाँ चले गया। अच्छा जिप कोड मेरा जिप कोड मेरा यहाँ चला गया था। चलो यार मैंने जिप कोड भी डाल दिया, फैक्स में मेरा जिप कोड चला गया था गलती से, तो जिप कोड मैंने डाल दिया जो पोस्टल कोड। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कंप्लेंट्स आप इसमें क्लिक करें। जैसे ही फ्रेंड्स आप इसमें क्लिक करते हैं आपको एक मैसेज आएगा थैंक यू योर सबमिशन, यानी आपका जो कंप्लेन है वो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। अब फ्रेंड्स कंप्लेन तो सबमिट हो चुका है, अब इसके बाद देखो यार जो भी आपने कंप्लेन किया है आपका जो प्राइमरी ईमेल आईडी है उसमें फ्रेंड तुरंत आपके पास एक मेल आ जाएगा तुरंत विद इन सेकेंड्स के साथ। आप इसको खोले आप देख लिए यार जो भी आपने एड्रेस डिटेल सब कुछ डाला है सब कुछ एवरीथिंग आपको दिखेगा। और आपके पास एज ए यहाँ पर देख लो यार यूट्यूब कॉपीराइट कंप्लेंट सबमिट, आपने जो कंप्लेंट किया है वो सबमिट हो चुका है, हो गया तुरंत आया कंप्लेंट्स। यहाँ पर आप देख लो यार तुरंत कंप्लेंट आ चुका है। टाइमिंग देख लो आप यहाँ पर टाइमिंग 22:53 अभी का टाइमिंग है 7 अगस्त का। ओके आ गया तुरंत, तो बंदे ने ऑलरेडी फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियोस को चोरी किया था उसका यहाँ पर एविडेंस यानी प्रूफ यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर फ्रेंड्स आ चुका है हमारे पास, कंप्लेन कर दिया है। अब क्या होगा फ्रेंड्स आप 24 to 48 hours आप वेट करें। बंदे के पास जैसे ही YouTube के जो क्रिएट जो एनालिटिक्स के जो टीम है वो आपके इन रिव्यू को चेक करेंगे, अगर आप जो रिव्यू लगा रहे हैं वो बिल्कुल सही है सो फ्रेंड उस बंदे का वीडियोस में 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स के अंदर उस बंदे के चैनल में एक ऑलरेडी स्ट्राइक चला जाएगा और
उस बंदे का वीडियो डिलीट भी हो जाएगा, और बंदे का जैसे ही बंदे के वीडियोस में स्ट्राइक चलेगा, बंदे का वीडियो डिलीट होगा, तो आपके पास एक तुरंत मेल आ जाएगा कि हमने ऑलरेडी इस बंदे का वीडियोस को डिलीट कर दिया है। इसके लिए भी आपके पास मेल आ जाएगा, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत। सिंपल फ्रेंड्स, आपको दो ऐसे काम करने हैं। ये जो प्रोसेस मैंने आपको सेकेंड वाला बताया, इस प्रोसेस को अगर आप काम करके रखते हैं, यानी किसी भी टाइम अगर आप करके रखे हैं, तो इसका जो डेटा होता है, ये जो डेटा आपने यहाँ पर टाइपिंग किया था, ये आपका सेव हो जाएगा। एज ए आप अगर सेकेंड टाइम किसी भी वीडियोस को फ्रेंड्स अगर आपने कॉपी, अगर किसी को कॉपीराइट अगर करने जाएंगे, तो फ्रेंड्स आप क्या क्या होगा कि ये जो आपका चैनल है, आपने जो डेटा डाला था, तो वही डेटा यहाँ पर सेव होने के वजह से ही यहाँ पर कॉपीराइट में जैसे ही फ्रेंड्स आप क्लिक करोगे, जो भी आपके वीडियोस दिखेंगे वहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर रिक्वेस्ट और वीडियो रिमूव वाले ऑप्शन में, यानी मिडिल में जो यानी ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें जैसे ही फ्रेंड्स आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली बंदे के पास ये सारा डेटा ऑलरेडी फॉर्म फेच हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ये जो बंदा है इसको आप मेल करना, तो आप डायरेक्टली इस बंदे को आप मेल कर सकते हो। एज ए सब्जेक्ट डाल दो, ये मेल आईडी आप यहाँ पर डाल दो, और इस बंदे को फ्रेंड्स आप डायरेक्टली आप मेल कर सकते हो। इसके बारे में ये देख लो यार, कोई बिल्कुल सहज है, अपना सिर्फ मेल आईडी डालो, आप सिर्फ अपना मेल आईडी डालो, और इस बंदे का सारा डेटा, इस बंदे का सारा डेटा ऑलरेडी यूट्यूब के पास है। आप सिर्फ इसमें मेल आईडी अपना डाल दो, ऑलरेडी यहाँ पर आप देख लो, हाय ब्रो, ये जो सब कुछ डेटा ऑलरेडी कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया गया है, सिंटू प्रसाद का सारा आपने यहाँ पर चीज़ आपने डिलीट ये कॉपी किया है, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि आपके तरफ से, यानी आपके तरफ से बीच में यूट्यूब रहेगा, आप एज ए एक सेंडर है, बीच में सीसी में यूट्यूब रहेगा, और आप जिसको भेज रहे हैं वो सर रिसीवर, बीच में यूट्यूब आपका रिसीवर का जो कॉन्वर्सेशन है उसको वो देखेगा। अगर उसमें सही ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो फ्रेंड्स आप सिंपल सा क्या करें, वहीं से आप कंप्लेन कर दें, यानी यहीं से आपको कंप्लेन का भी ऑप्शन आता है यहाँ पर एज ए रिक्वेस्ट फॉर वीडियो रिमूव, तो आप इसको क्लिक करके वीडियोज़ को रिमूव भी कर सकते। तो फ्रेंड यही था ऑप्शन कि आप किस तरह जल्दी से किसी भी लोगों का वीडियोस को आप रिमूव, अगर कोई आपके वीडियोस को अगर चोरी करता है तो कैसे फ्रेंड्स आप वीडियोस को उनका रिमूव करें, और वीडियोस को एंड तक देखने, ये बहुत थैंक यू फ्रेंड्स आपको। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, दिस इज एज ए बिगिनर, ये बहुत ही अच्छे उभरता सिंगर है, जो हमारे जितने भी सारे छोटे जब सिंगर आए थे उनको कोई नहीं उतना देखता, लेकिन दिस इज आर मोस्ट पॉपुलर सिंगर होने वाला है इन फ्यूचर्स। बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स इनका गाना होता है, आप देख लो यार, वीडियो सेक्शन में जाओ, बंदे का बहुत गाना यहाँ पर क्रिएट किया गया है यार, बहुत ही अच्छा अच्छा गाना है। अगर हो सके तो बिल्कुल यार एक बार जरूर देखो, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना। सो फ्रेंड वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो में लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। अगर आपके कोई इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में सर आप जरूर बता सकते हैं। सो चलिए दोस्तों वीडियो का भी यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।